हे गाइस, केम छो? मजामा? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बजे अभी 8, और श्री आ गया है वॉकिंग के लिए। पापा चलना है, क्या करना हाँ है ना? अच्छा, हाँ अभी तो गार्डन में जाने, वहां पर वॉकिंग करेंगे। अभी क्या है, एक्चुअल में कल का वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे एडिट में रखा हुआ है, उसमें थोड़ा कॉपीराइट का इश्यू आया तो वो रिमूव करके अपलोड कर रहा हूँ। और फटाफट से जाएंगे, 5 मिनट में हो जाएगा ऐसा लग रहा है, उसके बाद चलेंगे वॉकिंग में। एडिट तो वैसे दीपू ही करती है, मैं तो सिर्फ अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड तो ऑलरेडी वो भी कर दिया था मोबाइल से, मगर इसमें कोई थोड़ा सा क्लिप कहाँ पे पता नहीं चला ऑडियो आ गया। तो दोस्तों, वो भी आप जब भी ब्लॉग वगैरह शूट कर रहे हो तो वो ध्यान रखना है ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं गार्डन में। મમ્મી સુબહ સુબહ મોર્નિંગ મેં કપડે દોનો કો ઠંડ ભી નહીં લગ રહી? લગ રહી હૈ? બિલકુલ નહીં। હા रेगुलर तो वैसे मम्मी कपड़े धोती है। दीपू तो उठती भी लेट है ना? दीपू आप सामे जो नहीं है ना जवाब अपन। हाँ हाँ ते उठूं। अच्छा। मोड़ इच्छुं है मैं, सुन तो एवरी मोड़ ये ना थी उठती, 6:30-7 वाले उठूं तो। अच्छा, उसमें चिल्लाने का नहीं है दीपू, आराम से जवाब देने का। कपावा नहीं, ये व्लॉग तो ना मैं एडिट करने वाला हूँ, कट वट नहीं होगा। चलो अभी चलते हैं वॉकिंग में। बात कर रहे थे ना अभी सबकी, तो देख लिया ना कुदरत ने भी जो मेरा साथ दिया है ना, कुदरती। बहुत ही जबरदस्त आवाज आ रही है, जरूर कमेंट करके बताएं ये कौन सा बर्ड है। ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त आवाज आ रही है, देखो आवाज सुन पा रहे होंगे। पापा वहाँ पर देखो चमगादड़ भी है। कहाँ पे? वहाँ पे ये दोनों के बीच में, इधर से दिखेगी। कहाँ से है? इधर से वो रही, तीन चार। अच्छा। चमगादड़े है, चमगादड़ की बड़ी को। ये आज का सुविचार, सुविचार आज का बोलो। एक वक्त तुम्हारी पासे जे नथी तेनी चिंता छोड़ सो। जो आपके पास नहीं है उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारी पासे जे छे तेनो आनंद उठावी सकसो, और जो आपके पास है उसके मजे उठाइए, आनंद लीजिए। तो ये था आज का सुविचार, पढ़ते हैं आगे। तो भी ब्रेकफास्ट का दीपू ने मना बोला है। तो जाएंगे अभी कच्ची स्पेशल वन की फाफड़ा है ना। KGF साइरन। ये सुनते हैं तो ऐसा ही लगता है कि KGF मूवी में आ गए। तो सुबह एक तो मॉर्निंग में 8 बजे भी बजता है, और नाइट को कितने बजे? 8:30। हाँ, सुबह भी 8:30 को ही बजता है, और नाइट को भी 8:30 को ही बजता है।
अभी मैं आ गया हूँ मामा के गांठिया वाला मर से ने वेला ची आपड़े यहाँ का बहुत ही फेमस जगह तो गांठिया। अच्छा ये मुझे मामा गांठिया वाले हसमुख भाई प्रजापति बहुत सालों से अंजार में कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा कि नहीं जानता हो इनको। और हसमुख भाई कितना साल हो गया आपको? 22 साल। क्योंकि मैं जानता हूँ तब तक तो मेरे नाना भी बोलते हैं कि मामा गांठिया वाले को वो लूना लेकर पहुँच जाते हैं लाखा पर से आजू बाजू गाँव से। और मेरा ससरा भी बहुत साल से रेगुलर इनके कस्टमर है। मैं तो उठता ही लेट हूँ तो उसके वजह से पहुँच नहीं पाता हूँ यहाँ पे आने के लिए। बाकी जब भी पापा आते हैं तो घर पे बैठ कर ही ये फाफड़ा खाने को मिल जाता है, ऐसा रहता है। सही में जबरदस्त गांठिया फाफड़ा कच्ची फूड। फाफड़ा खाना हो तो यहाँ पे ही आना है मामा गांठिया वाले के पास। अभी रहा नहीं जा रहा है करते स्टार्ट। मेरे नाना और मेरे ससुरा जी तो सालों से यहाँ पे गांठिया खाने के लिए आते हैं और मिलते भी यहाँ पे ही। नाना जी की एज लगभग 75 से प्लस है। ऐसा ही बताऊंगा कि पूरे गुजरात में ऐसे फाफड़ा खास करके वो अंजार में मामा गांठिया वाले का है वो ऐसा टेस्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जरूर अंजार आए तो ट्राई कीजिए। पर एक ही कंडीशन है, ट्राई कीजिएगा कि सुबह 9:30 नहीं मगर 9 बजे से पहले आइए, अदरवाइज धक्का हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है कि नहीं मिलेगा, है ना। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग मम्मी। जय श्री कृष्ण पापा। गुड मॉर्निंग। મોટા જે કે બધું હાલે અચ્છા મિક્સ સબ્જી આજ પાપા ઓર મમ્મી આને વાલે તો મિક્સ સબ્જી ખિલાવી એસા। पापा को आलू का साग ज्यादा अच्छा लगता है तो वो भी बनाकर। आलू नहीं डाला। क्यों? पापा को पसंद नहीं है। अच्छा आलू की सब्जी पसंद नहीं है तो वो बोलते वो मेरा दुश्मन है। तो वो तो अभी आएंगे ना तभी उनसे कंफर्म करेंगे कि दुश्मन है क्या है सही में। आलू मेरा दुश्मन है। अभी मैं जाऊंगा थोड़ा लेट तो हो गए। अभी बजे है 10। मिलते हैं स्टूडियो पर। तो नहीं हूँ।
अभी यार भी जस्ट उठी है, आ रही है। दीपू के मम्मी पापा भी आ गए। ये पापा यहाँ पे पापा अकेले अकेले चाय पी रहे हैं क्योंकि उनकी अलग स्पेशल चाय रहती है, वो किसी को सेट नहीं होती है। बिना शक्कर की। तो क्या बता रही थी दीपू तू? कुछ नहीं बता रही थी। वो कुछ बता रही थी ना? क्या बता? आलू की। हाँ वही पापा आलू की सब्जी नहीं खाते। क्या है पापा वो आलू क्या है आपका? क्या है? दुश्मन है। दुश्मन क्यों है वो जवाब नहीं देना, ऐसा दुश्मन है मतलब। अभी लाइव प्रूफ सही में दीपू तूने बहुत परफेक्ट बताया, पापा ने खुद बता दिया। ये श्री अभी तक नहाया भी नहीं है। अभी नहाने जा रहा हूँ पर एक बात याद आ रही है, यहाँ पर नाना नहीं है, बाबू की गाड़ी है, यहाँ पर पड़ी आ रही है। और नाना क्या बोलते हैं? नाना नहीं है मगर क्या करना है, नहाओगे नहीं तो गोली खा लेना है। गोली भी चलती है ऐसा? नाने की गोली। श्री ने आर ना ना आर सो जे आर सो ते ना पराने दीपा ने नराय के ना स्कूल चालू न थी छोकरा आर सो दई जे लाइव ना तो कौन सी के श्री क्यों ही लाइव नहीं श्री कौन सी भी सही में मैं मानता हूँ कि चिराग जो भी बनाता है ना खास करके यहाँ की खिचड़ी वगैरह बेस्ट बनाता है उसकी, उनकी वजह से मैंने जब भी टेस्ट की ना तो उनके बाद मुझे लगभग 3 से 4 बार वो दाल खिचड़ी खाने को मिली और जबरदस्त दीपू ने बनाई थी और चिराग के हाथों का तो टेस्ट ही पूरा अलग है। करेंगे कुछ ऐसा प्रोग्राम टेस्ट केवन हो प्रमाणे बड़ी खिचड़ी बनी जाए बढ़िया आवे। अच्छा सब आएगी। दोस्तों अभी बजे 10:15 थोड़ा वर्क था तो मैं बाहर था तो अभी जस्ट पहुँचा हूँ, करूँगा डिनर। तो आज के व्लॉग में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फटाफट से नए व्लॉग में दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड फटाफट से कमेंट्स कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद जय भारत।